ऐसे ये नातों के अंदर होता है कि तुम इससे मांगेंगे तुम ही दोगे, यानी अल्लाह से नहीं मांगेंगे और अल्लाह नहीं देगा तुम ही दोगे। ये मकसद तो किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, लेकिन ये नतीजा अवामुन नास महसूस कर सकती है। इस तरह की शेर सुन सुन के अवाम का ये जहर बन गया है कि अब देगा तो अल्लाह का वली देगा, देंगे तो नबी देंगे तो गौसे पाक ही देंगे, और वो मुसलसल इसी तरीके से अपने हर दुआ में गौसे पाक करम फरमाए। हमें ये अवाम को समझाना कि आपकी आने वाली नस्लों को वो मारिफत हासिल नहीं होगी जिस मारिफत के साथ आपने दोनों चीजों में फर्क करके और आप चल रहे हैं।